फ्रेंड्स एम एस्कोडर में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो से हम एक पूरी सीरीज इस चैनल पर डालने वाले हैं जिसमें हम जावा के जो क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली इंटरव्यू से इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो अगर आप जावा प्रोग्रामर है तो आपको इन एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है वोट इज जावा प्रोग्रामिंग जावा प्रोग्रामिंग क्या है अगर आपने अपने रिज्यूम में जावा को मैंशन किया है तो आपको इसका आंसर देना है जावा इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा क्या होता है एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और सिक्वे सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ये जावा का एक बेसिक सा आपको आंसर देना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर और आपको इसकी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए कि वॉट इज़ बाइट कोड कि बाइट कोड क्या होता है तो चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं बाइट कोड कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड बाय द कंपाइलर आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ सोर्स कोड बाइट कोड को हम इंटरमीडिएट कोड भी बोलते हैं जब हम कोई सोर्स कोड लिखते हैं और उसको कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है यानी कि इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर देता है और उस इंटरमीडिएट कोड को फिर जो इंटरप्रेटर होता है यानी कि जे होता है उसको वो ट्रांसलेट कर देता है अकॉर्डिंग टू मशीन लैंग्वेज तो देखिए यहाँ पर हमने इसका पूरा डायग्राम बनाया हुआ है कि किस तरह से हमारा जो सोर्स कोड होता है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है सबसे पहले हमारा सोर्स कोड होता है उसको कंपाइलर लेता है और बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है अब इस बाइट कोड को हम जे के थ्रू क्या करते हैं मशीन कोड में कन्वर्ट करा देते हैं और इस इस बाइट कोड की वजह से ही जावा प्रोग्राम क्या होता है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम माना जाता है तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर वट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है द जावा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इज एन आर्ग्यूमेंट दैट इज पास टाइम ऑफ रनिंग द जावा प्रोग्राम जो भी हम वैल्यू या आर्ग्यूमेंट प्रोग्राम के रनिंग टाइम पे पास करते हैं वही हमारा क्या होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है वाई मैन मैथड इज इस्टैटिक इन जावा इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा और इसको प्रैक्टिकली भी करने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जावा के अंदर जो मैन फंक्शन होता है उसको स्टैटिक क्यों रखा गया है तो जावा मैन मैथड इज ऑलवेज इस्टेटिक सो दैट कंपाइलर कैन कॉल इट विदाउट द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो जावा का प्रोग्राम होता है उसके अंदर जो मेन फंक्शन होता है उसको स्टैटिक इसलिए रखा गया है क्योंकि जो मेन फंक्शन होता है उसको जेवीएम बाहर से कॉल करता है बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी हम मेन फंक्शन को क्या कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं अगर हम मेन फंक्शन को स्टैटिक नहीं डिक्लेयर करेंगे तो हमारा जेवीएम मेन फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएगा और प्रोग्राम हमारा रन नहीं होगा तो यही पर्पज़ है मेन फंक्शन को एज ए स्टैटिक डिक्लेयर करने का और यहाँ पर आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा Why Java is अ प्लेटफॉर्म independent लैंग्वेज हम सबको पता है कि जो जावा होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज लेकिन ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है तो इसको ये आपको डिफाइन करना होता है इंटरव्यू के अंदर इन जावा सोर्स कोड compiled into टू बाइट कोड एंड बाइट कोड कैन बी रन ऑन एनी एस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जावा के अंदर अभी हमने पढ़ा कि बाइट कोड क्या होता है कि जो सोर्स कोड होता है कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और उस बाइट कोड को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करा सकते हैं इसी की वजह से हमारा प्रोग्राम जावा प्रोग्राम क्या होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है तो आई होप कि आज के जो हमने पाँच क्वेश्चन कवर किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे जावा के अंदर नहीं पूछा जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग